कितना टाइम हो गया भैया, एक चाय ले आओ फटाफट। जी मैम साहब, अभी लाया। जी मैम साहब। ओ मैम साहब, वो आपके पैसे। हाँ पैसे तुम खाते में लिख लेना है ना। पर मैम साहब, आपके पहले से पैसे बहुत सारे बाकी पड़े हैं। अरे तो यार, इतने से पैसों में तुम्हारा क्या जाता है? तुम खाते में लिख लेना ना, मैं पक्का दे दूंगी तुम्हें। पर मैम साहब, आपके थोड़े से पैसे नहीं है, पूरे 3 महीने के बाकी है, 2500 रुपए। अरे तो मैं कहीं भक्के थोड़े ना जा रही हूँ, ये सामने वाले ऑफिस में ही तो काम करती हूँ ना, दे दूंगी मैं तुम्हें पैसे। पर मैम साहब, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी दुकान का भाड़ा देना है, मेरे को दूध वाले का हिसाब करना है, और मुझे घर पे भी पैसे देने होते हैं मैम साहब, ऐसे थोड़ी चलता है। प्लीज आप मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। 2500 रुपए अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं 2-3 दिन में पक्का दे दूंगी। अरे मैम साहब सुनो तो। मैं कमल सर। यस कमल सर, ये मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अच्छा 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 अच्छा, इट्स ओके। मैंने कल आपको जो असाइनमेंट दिया था वो सर, वो असाइनमेंट ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आपको कल तक दे दूंगी। अच्छा ठीक है, आप कल तक दे देना। सर वो मेरी सैलरी। सैलरी भी आपकी ऑलमोस्ट तैयार है। पर सर मेरी 2 महीने की सैलरी बकाया है, मुझे फ्लैट का रेंट देना है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, सर मैं कैसे मैनेज करूंगी? ये आपकी प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा बोला था आपको गाड़ी लेने के लिए, आपका घर पास में ही तो है, आप मैनेज कर सकते थे। पर सर फ्लैट का रेंट भी तो होता है, मेरे पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं। आप अब जा सकते। भैया एक चाय ले आना। लो मैम साहब। थैंक यू। भैया रुको। ये लो आपके पैसे। धन्यवाद मैम साहब, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप मेरे पैसे दोगे मुझे। ये आपकी मेहनत के पैसे हैं भैया, मैं भला कैसे रख सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, अब मैं अपनी दुकान के लिए नया सामान ले आऊंगा। बिल्कुल भैया, आप अपनी दुकान के लिए सामान ले आना, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब से कभी भी आपके पैसे नहीं रखूंगी। इनफैक्ट मैं किसी के भी पैसे बकाया नहीं रखूंगी। वो कहते हैं ना, जब तक जो चीज़ हम पर नहीं बीतती है ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि कभी भी किसी की मेहनत की कमाई नहीं रखनी चाहिए। ठीक है मैम साहब।